नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौहान और अन अकेडमी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम, जिसके अंतर्गत फर्स्ट पेपर जो है उसको हम सोल्व कर चुके हैं। हम सोल्व कर रहे हैं जनरल हिंदी, उसके 30 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। जो बाकी बचे हुए 30 हैं उसको हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आप प्लीज, जिसका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। मेरा नाम है विकास चौहान और ये कुछ डिटेल्स मेरे बारे में यहाँ पर दी गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और आप मुझे दिए गए इस लिंक पर फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम जो 8 तारीख को हुआ था उसका एनालिसिस कर रहे हैं और ये जो कोर्स है ये प्रेजेंटेड बाई है मी विकास चौहान। नेक्स्ट देखते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय होता है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए शब्द आता है अप्रमेय। तो आपका आंसर होगा सी, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है विजित, विजेता, जिगिशु और जिज्ञासु। तो आपका आंसर होगा जिगिशु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। थर्टी थ्री, जो स्त्री सूर्य को कभी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है शास्त्रज्ञा, असूर्यपश्या, स्त्रैण, दुर्निवार। तो जो स्त्री सूर्य को नहीं देख सकती यानी कि पर्दे में रहती है उसके लिए शब्द है असूर्यपश्या। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। 34, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी और संविदा। संविदा इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो 34 का आंसर होगा डी, संविदा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 35, अपने सहारे पर रहने के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ और आत्मविश्वासी। तो आपका आंसर होगा ए, स्वावलंबी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। 36, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक अध्यादेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना, अधिसूचना। तो इसका आंसर होगा अध्यादेश। इधर राज्यपाल राष्ट्रपति निकालते हैं अध्यादेश, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अध्यादेश और आंसर होगा बी। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो के लिए वाक्य के लिए एक शब्द है नवोढ़ा, पर्वतस्य पतिका, प्रोषित पतिका, आगत पतिका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रोषित पतिका। थोड़ा कन्फ्यूजन था बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में, क्योंकि सारे ही उन्होंने जो ऑप्शन है वो जिसका पति परदेश चला गया हो, जिसका पति परदेश में रह रहा हो, जिसका पति परदेश से आ चुका हो, सारे ही वही शब्द थे। खैर, 38, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था, शिख, नख, सिरोपर, पादमस्तक या अपादमस्तक। तो आप जानते हैं सिंपल सा था, अपादमस्तक इसका आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 39, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कि जो अनुचित बात के लिए आग्रह करे, यानी कि व्यक्ति की बात हो रही है, अगर अनुचित बात बोले तो वो दुराग्रह हो सकता है, लेकिन अनाग्रही, दुराग्रही और कुआग्रही, तो जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं दुराग्रही, यानी कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक और प्रत्याशित। तो ये होता है अप्रत्याशित। ठीक है दोस्तों, तो 40 का आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, शुष्क का जो विलोम होता है उष्ण,
आद्र शीत शिष्ट, तो आपका आंसर होगा बी आद्र, शुष्क का विलोम होता है आद्र। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, सूक्ष्म, तन्वी, दुर्लभ और शाश्वत। इसका आंसर दोस्तों शाश्वत होना चाहिए, क्योंकि शाश्वत होता है जो निरंतर चलता रहे, जो कभी खत्म ना हो। लेकिन हो सकता है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, 95% तो इसका आंसर शाश्वत ही होना चाहिए। आप बताइए प्लीज जो भी इसका आंसर है। 43, पृथक का सही विलोम है एकत्र, संयुक्त, थकित, सुगठित, तो ये होगा आपका संयुक्त। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग और डी अनुपयोग, तो इसका आंसर होगा आपका अनुपयोग। ये उपयोग का विलोम शब्द होता है अनुपयोग, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, निषिद्ध का क्या होता है, सिद्ध नहीं होता है, अनिषिद्ध भी नहीं होता है, विहित और घृणित, तो इसका आंसर होगा विहित। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्द विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त और अज्ञ, अनभिज्ञ, तो आंसर होगा अल्पज्ञ, जो जो कम जानता हो, बहुज्ञ, जो बहुत ज्यादा जानता हो, तो 46 का आंसर होगा आपका ए। 47 देख लेते हैं, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष, तो आंसर होगा ए। ये सचल नहीं होता, चल अचल होता है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये लेकिन सचल लिखा हुआ है तो ये गलत होगा, ये चल अचल, तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औरस, उत्सर्जन, विसर्जन, तो इसका होगा जारज और औरस। 49 देख लेते हैं, निम्नलिखित में शब्दों में से एक युग्म सुमेलित है, इप्सित, अभिषिक्त, अमित, सीमित, समित, हया, बेहया और अघि, निरघ, तो दोस्तों ये दोनों सी और डी दोनों ही हो सकते हैं, तो इसका कोई क्लियर नहीं है, दोनों ही हो सकते हैं, अघि का निरग भी होता है और हया का बेहया तो शायद होता है, लेकिन इसका आंसर प्रॉपर नहीं पता, तो ये क्वेश्चन है डाउट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, 50, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है, दक्षिण, वाम, उधम, निरुधम, विधि, निषेध, बर्बर, सभ्य है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल एक विशेषण, एक विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो पांडु जो है मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए, विशेषण और विशेष्य, पांडु लिपि किसी विशेषता बता रहा है, पांडु रोग भी होता है, तो 51 को भी मैं डाउट में ही रखूंगा, अभी इसका कुछ ठीक से क्लियर नहीं है, अगर मिल जाता है तो मैं आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताऊंगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है, तो विद्यार्थी क्या है, चतुर, विशेषण किसे बोलते हैं, जो उसकी विशेषता बताए। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन है, मेरा तो आंसर दो ही है, मैं तो दो ही मान रहा हूं, सर्वनाम, सर्वनाम वाचक एक तो वह और एक ठग, लेकिन तीन भी बता रहे हैं कि तीन भी हो सकते हैं, तो ये तो अभी डाउटफुल क्वेश्चन है, आप जरूर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा।
दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो दुष्चरित जो है वो आदमी की क्वालिटी है जिसको बोलते हैं विशेषण। उसका लड़का लंबा है में विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो लड़का कैसा है? लंबा, ठीक है। लेकिन उसका भी इसमें हो सकता है दोस्तों, क्योंकि उसका सर्वनाम होता है, सर्वनामवाचक विशेषण होता है। तो अब आयु इसको क्या मानता है, मैं इसका कुछ ठीक से आंसर नहीं बता पा रहा हूं। लंबा भी हो सकता है लेकिन उसका भी माना जा सकता है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष्य है, तो क्या है? विद्यार्थी। आठ बड़े चोर पकड़े गए थे पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्द में विशेषण विशेष्य है? बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, आठ बड़े चोर, तो विशेष्य तो पुलिस, और किस कारण भागी, किस विशेष, क्या विशेषता रही उसकी या क्या कमी रही? तो लापरवाही, तो पुलिस की लापरवाही से भागी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? कंटक, चुनौती, राही या नहीं है, क्रोधी, क्योंकि क्रोध या गुस्सा वाला ये उसकी क्वालिटी है, विशेषण है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है महसूस, लोगों, लाखों और इसमें, तो इसका आंसर होगा लाखों। ठीक है दोस्तों, तो जो हिंदी के 60 क्वेश्चन थे उनको भी हमने यहां पर कवर कर लिया है और जीएस के भी हम कवर कर चुके हैं। जिस जिस का आंसर मेरे को नहीं मिला है या नहीं मालूम चला है नेट पे काफी सर्च करने के बाद भी, जैसे ऑपरेशन रूबिकॉन है उसका आंसर नहीं मिला अभी तक, ठीक है। एक जांच समिति थी उसमें कौन कौन थे वो भी नहीं मिला है। तो अगर आपको आंसर मिलते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइए। और ये लेक्चर आपको कैसे लगे प्लीज आप कमेंट, रेटिंग, रिव्यू जरूर कीजिए। और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों शेयर कीजिए। जिन्होंने भी आरओ का एग्जाम दिया है तो वो अपना एक बार स्कोर चेक कर लें, जिनको अगर नहीं मिल रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।